2 जून 2021 कुंभ राशि, गला सूख जाएगा इसे सुनकर। ये बातें जीवन में हमेशा याद रखें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की सुबह में हम आपको 2 जून की सबसे इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि सामान्य राशिफल, धन राशिफल, लव राशिफल, व्यावसायिक राशिफल, स्वास्थ्य संबंधित बातें, साथ ही कौन से बातों का ध्यान रखना होगा, यानी कि इस तरह की तमाम बातें आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें, और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए 2 जून की सबसे इंपॉर्टेंट बातें कैसे रहेगी उसके बारे में। रोमांस में समय बीतेगा, यानी कि रोमांस के लिए यह दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेहनत का फल मिलेगा, यानी कि आप जो भी मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, उसका फल भी आपको इस दिन मिल सकता है। कार्य सिद्धि से प्रसन्नता रहेगी, यानी कि किसी कार्य के संपन्न होने से आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, यानी कि कोई व्यवसाय क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें ठीक ठाक जो कि फल आपको मिल सकता है, साथ ही आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण बना रहेगा, यानी कि पारिवारिक लोग जो कि प्रसन्नता से खुशी से झूम उठेंगे। व्यापार के कार्य से बाहर जाना पड़ सकता है, यानी कि किसी व्यवसाय की वजह से, किसी व्यापार की वजह से, किसी काम की वजह से आपको कहीं आउट ऑफ सिटी, यानी कि बाहर देश, बाहर गांव को जाना पड़ सकता है। कार्य पद्धति में विश्वसनीयता बनाए रखे, धनार्जन होगा, यानी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, किस योजना को आप लेकर बना रहे हैं, यानी कि इस योजना के तहत आप कार्य कर रहे हैं, उसमें विश्वास रखना बेहद जरूरी है और उसकी तरफ आगे बढ़ते रहें। आपके सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है, यानी कि आप जो भी सपना, जो कि बड़ा सपना देखा था, वह हकीकत में बदलता हुआ आप देख सकते हैं। लेकिन अपने उत्साह को काबू में रखें, क्योंकि ज्यादा खुशी भी परेशानी का सबब बन सकती है। जिन लोगों की अब तक तनख्वाह नहीं आई है, आज वो पैसों के लिए बहुत परेशान रह सकते हैं और अपने किसी दोस्त से उधार मांग सकते हैं। दोस्तों, तनख्वाह अगर आपकी आई भी नहीं है तो अपने दोस्तों के संग दोस्तों से आप उधार मांग सकते हैं, लेकिन हर वक्त तनख्वाह आने तक के लिए सीमित जो कि थोड़ा बहुत धन अपने पास रखा करेगा, वरना हर महीने आपको दोस्त भी मदद नहीं कर सकते। दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय भी देगा। आपकी आंखें इतनी चमकीली है कि वे आपके प्रिय की अंधेरी रात को भी रोशनी कर सकती हैं। तब तक कोई वादा ना करें जब तक कि आप पूरी तरह से उसे पूरा करने में सक्षम ना हो, यानी कि अपने प्रिय से कोई भी वादा ना करें जब तक आप उस वादे को पूरे करने के आपके आप में खुद में जो कि एक इच्छा शक्ति नहीं होगी, आप उसे पूरा करने के आप में आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक आप कोई भी वादा उनसे ना करें। किसी भी स्थिति में आपको अपने समय का ख्याल रखना चाहिए। याद रखिए, अगर समय की कदर नहीं करेंगे तो इससे आपको ही नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ आज की शाम वाकई कुछ खास होने वाली है। दोस्तों, अगर हम सामान्य राशिफल की बात करें तो आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लाएंगे। वे घरेलू तनाव भी दूर करने में मदद रहेंगे। आप प्रेम की आग में धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार जलते रहेंगे। काम में मन लगाएं और जज्बातों से बचें, यानी कि अपना काम जो उस पर मन लगाकर करेंगे और जज्बातों से बचकर रहेंगे तो आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। आज जीवन के कई अहम मुद्दों पर आप घर वालों के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। आपकी बातें घर वालों को परेशान कर सकती हैं, लेकिन इन बातों का हल अवश्य निकलेगा। यानी कि कोई भी अहम मुद्दा हो तो उसके बारे में घर वालों से बैठकर राय लेना बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप खुद एक निर्णय लेंगे तो उसमें नुकसान होना तय है। शादी सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है, एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना भी जरूरी है। यानी कि शादी एक ऐसा काम नहीं है जो कि सिर्फ शादी करना हो या फिर बच्चे पैदा करना हो, इसे शादी नहीं कहते। शादी ऐसी है जिसमें एक दूसरों को समझना चाहिए, एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए, एक दूसरे के बातों को हर वक्त शेयर करता रहना चाहिए, इसे शादी कहते हैं। दोस्तों, अगर हम धनराशि की बात करें तो
संतुलन बनाना आज का प्रमुख विषय रहेगा और आप अपनी आय और व्यय के बीच एक संतुलन हासिल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपकी आय जितनी है उससे कम व्यय होना चाहिए। यानी कि आय आपकी एक रुपया है तो उसकी व्यय यानी कि उसकी खर्चा जो कि एक रुपये से कम होना चाहिए, तभी आप धन का जो कि संतुलन बना के रख सकते हैं। आप अपनी आय के पूरक के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश भी शुरू कर सकते हैं और आज आपको एक बहुत अच्छा अवसर भी मिलने की संभावना है। साथ ही साथ अपने व्यय को भी नियंत्रित करने के लिए खर्चों पर लगाम जरूर लगाएं। दोस्तों, करियर राशिफल की बात करें तो आज आप बहुत से लोगों से मिलेंगे, इसमें जरा भी हिचके नहीं और सबसे प्रेम से मिले। आज आप जो भी संबंध बनाएंगे उनसे आपको कई रूप से लाभ हो सकेगा। हालांकि सभी संबंध उतने लाभदायक ना भी हो तो भी उनमें से किसी न किसी से आपको लाभ जरूर मिलेगा। आपकी क्षमता के कारण आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस मौके का लाभ उठाकर आपको अपने क्षेत्र की और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही अपनी नई संस्था में भी आपको पूरी मेहनत से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय में आप अपने लंबे व तुरंत करने वाले कामों की सूची बना सकते हैं। दोस्तों, लव राशि पर की बात करें तो सभी पक्षों से प्रतिबद्धताओं की वजह से आप एक बहुत व्यस्त जीवन जी रहे थे। आज आप पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इस अवसर को आराम करने या अपने साथी या परिवार के साथ खुशी से बिताएं। आपको परिचित चीजों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठाएं, बजाय कि आप बाहरी चीजों या बाहर आनंद उठाने जाएं। दोस्तों, स्वास्थ्य राशि पर की बात करें तो ऊर्जा का स्तर ज्यादा होने की वजह से आप अपना काम एक ही पल में खत्म कर सकते हैं। अध्यात्म की मदद से आप तनाव और भावनात्मक विकारों से बच सकते हैं। आप थकावट भी महसूस कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा ताकि कोई भी बीमारी आपके पास ना भटके। दोस्तों, आप बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना होगा उसके बारे में। आपके पास अपनी सेहत और रूप रंग को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे उन्हें आज कहीं से धन प्राप्ति हो सकती है, जिससे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्त शाम के लिए कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका दिन खुशनुमा कर देगा। मोहब्बत और रोमांस आपको खुश मिजाज रखेंगे। अपने उद्देश्यों की ओर शांति से बढ़ते रहें और सफलता मिलने से पहले अपने पत्ते ना खुलें। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। अपने जीवन साथी की खूबियों के चलते आप एक बार फिर उनके प्यार में गिरफ्तार हो सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से रहेगा 2 जून का कुंभ राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।